गाइस आज हम सूट की कटिंग करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जो पास में घंटी होती है उसको ज़रूर दबा लीजिए। इसे कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी लेंथ है 37 इंच। सबसे पहले यहाँ से मार्क लगाएंगे 2.5 इंच का। 2.5 इंच का मार्क हमारा यहाँ से आएगा। एक इस मार्क को यहाँ से सीधा कर देंगे। ये मार्क हमारा फोल्ड के लिए हो जाएगा। उसके बाद में 2 इंच का मार्क 2.5 इंच के बाद में बाकी जो हमारा मार्क इतना दिया हुआ है इसको भी यहाँ सीधा कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि इसमें कढ़ाई पहले से ही दे रखी है तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। अब लेंथ का निशान लगाएंगे यहाँ पर से। लेंथ इसकी है 37 इंच। तो यहाँ पर से हम लोग जो मार्क लगाएंगे वो तो मार्क हमारा आएगा 37 × 1/2 इंच, 37.5 इंच पे। 37.5 इंच मार्क लगाते हैं, आधा इंच ऊपर ऊपर हमारा सिलाई में चले जाएगा, तो हमारी फुल नाप जो है 37 इंच आ जाएगी। हिसाब से यहाँ से मुड्ढा गिरेगा इसका 7 इंच। इनकी चेस्ट है 34 इंच, तो हिसाब से मुड्ढा 34 इंच हो तो मुड्ढा 7 इंच पे गिरता है। 7 इंच मुड्ढा गिरेगा और इनकी कमर जो आएगी वो आएगी 14.5 इंच पे, इनके 14 × 1/2 इंच। और जो इनका हिप आएगा वो आएगा 21.5 इंच पे। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारा दामन कितना, दामन इनका है 17 इंच। तो यहाँ पर से 17 इंच पे ये देखिए, तो यहाँ से हमारा इतना नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे 16.5 इंच पे यहाँ से लगा देंगे। ये हमारी हिप का निशान हो गया, यानी कि इनकी हिप जो है वो 21 इंच के बजाय देखिए यहाँ पर से जो है जी आ जाएगी 17 इंच पे यहाँ से मार के जी लगा देंगे। इस हिसाब से इनकी हिप यहाँ से कितनी आ जाएगी, हिप इनकी यहाँ से आएगी देखिए 21.5 इंच पे, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ से 20.5 इंच पे बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। इनकी हिप 20.5 इंच है, ठीक है। 20.5 इंच हिप है और 17 इंच का दामन है। तो यहाँ पर दामन देखिए 17 इंच का यहाँ से पूरा करेक्ट आ गया। यहाँ से इस मार्क को भी सीधा कर देंगे, तीनों मार्कों को इस तरह से इस चाक को लेंगे और ऐसे सीधा कर देंगे। ये चाक आप लोग मार्केट से ले सकते हैं और आसानी के साथ में मिल जाती है। इन तीनों मार्कों को सीधा कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर सीधा इनका है 13 इंच, तो यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। 6.5 इंच का मार्क यहाँ से हो गया और यहाँ पर 7 इंच का मार्क आएगा। 7 इंच बल्कि 7.25 इंच यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से। देखिए इनकी चेस्ट है 34 इंच, तो यहाँ पर 8 × 32 यानी के 8.5 इंच, 8.5 इंच यहाँ से हमारा तरीके से आ जाएगी। कमर है 34 इंच, सॉरी इनकी चेस्ट है, चेस्ट इनकी है 38 इंच, 38 इंच है। एक मिनट चेस्ट इनकी नाप लेते हैं। जी हाँ चेस्ट इनकी है 36 इंच। तो यहाँ 36 इंच के हिसाब से नॉर्थल गति यहाँ पर 9 इंच का मार्क आएगा, यहाँ पर 9 इंच का मार्क आएगा। इनकी कमर है, कमर इनकी है 30 इंच, 30 इंच के हिसाब से यहाँ पर 8 × 32, 8.5 इंच मार्क आ जाएगा यहाँ से 8.5 इंच पे। और हिप इनकी है, हिप इनकी है, हिप भी यहाँ से जितनी हमने जो लगाया मार्क जो है 9 इंच का, 9 इंच का मार्क यहाँ पर भी आएगा। हिप भी 36 इंच है, 36 इंच का मार्क यहाँ से आ जाएगा। दामन है
दामन इनका है 38 इंच, तो 38 इंच यानी कि 9.5 इंच, यहाँ से नौ के लिए 9.5 इंच का यहाँ से आ जाएगा हिसाब से इनके। अब यहाँ से इस तरीके से फ्रंटी को पकड़ेंगे। ये तो हमने लिया है बिल्कुल तैयार एग्जैक्ट नाप लिया सूट से। इसको इस तरीके से यहाँ से गुलाई दे देंगे, उसके बाद इस फंटी से इसको निश निशान को मिला देंगे। इस मार्क से इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद इसमें यहाँ पर इस तरीके से देखिए गुलाई देंगे। देने के बाद में फिर तो यहाँ से इस तरीके से गुलाई कर देंगे। अब बाकी इसका गला है यहाँ पर 2.5 इंच पे लगाएंगे, 2.5 इंच पे देखिए, अब 1/2 इंच यहाँ से कम कर देंगे। इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। मिलाने के बाद अब इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसमें जब लोग मेजरमेंट छोड़ेंगे यहाँ पर से इस हिसाब से छोड़ देते हैं, एक फंटी बराबर ये हमारा मोड़ने में चला जाएगा जो फोल्ड करेंगे उस लिए। बाकी आप लोग चाहें इतने यहाँ से भी इस तरीके से छोड़ सकते हैं। इससे हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। अब तो पहले यहाँ से कट करेंगे इतना, इतना कट करने के बाद पेज का ये हिस्सा कट करेंगे इस तरीके से। फिर से यहाँ से कट करेंगे करने के बाद इसको ये देखिए यहाँ पर इस हिसाब से इसे कट करेंगे। इतनी हम लोग यहाँ से लूजिंग इसमें दे रहेंगे ताकि हमें छोटा बड़ा करना पड़े कभी अगर, और आसानी के साथ में हो जाए। इस तरह से हम लोग सूट की कटिंग करते हैं। ये सूट की कटिंग करने का बहुत ही सिंपल मेथड आप लोगों को बता रहे हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आप लोगों के हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए इसमें 3 कुटके आएंगे, ये कुटके हमें लगाना है। तो पहले कुटका ये हमारे यहाँ पर आएगा, एक इस टाइप से कुटका हमारा लगेगा, दूसरा कुटका हमारा यहाँ पर जी आएगा, ध्यान रखिएगा कुटके दो ध्यान रखिएगा, और तीसरा कुटका हमारा इस टाइप से यहाँ से आ जाएगा, और एक कुटका हमारा यहाँ पर आएगा, और एक कुटका हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको यहाँ से हम मोड़ेंगे इस तरीके से। ये हमारी बैग रखी हुई है, इसको हमने फ्रेंड से रख लिया है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैग कटिंग हमारी यहाँ से थोड़ी सी स्ट्रा में होगी, यहाँ पर से इतनी यहाँ से इस टाइप से उस टाइप में बैग कटिंग करते हैं इतनी। यानी कि आप लोग बैग हमेशा जो है यानी तकरीबन देखिए जी हमारी 1 इंच आ रही है, 1 इंच थोड़े कम, जहाँ से बैग हमेशा इतनी जो है एक्स्ट्रा में कटिंग करते हैं। बस बाकी बैग में और कुछ नहीं होता, अगर मोटी औरत की हो तो यहाँ से बैग 1/2 इंच एक्स्ट्रा में काटते हैं, तो आप लोगों को हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं पहले इस तरीके से। बाकी यहाँ से बैग कट कर लेंगे, यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से। हम लोग पूरी हृदय कटिंग कर लेते हैं। देखिए इधर से भी कट कर लेते हैं यहाँ से। देखिए जी हमारी इस टाइप की, देखिए ये हमारी ये फ्रेंड हिस्सा हो गया, और ड्रेस की तरीके से यहाँ से बैक आ गई। बैक आने के बाद फिर इसका आसीन काट
हमारे अच्छी ना कपड़ा रखा है, हमने इसको फोल्ड कर लिया तरीके से। पहले हमने ऐसे फोल्ड कर, उसके बाद में फेस को इस तरीके से यहाँ से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में इसमें प्रेस लगा लीजिए। आप लोग अच्छी कटिंग बता रहे हैं इसकी। सबसे पहले यहाँ से मार्क सीधा करेंगे, ये मार्क हमारा यहाँ से तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम लोग फोल्डिंग के लिए 2 इंच का मार्क लगाएंगे, 2 इंच हमारी मुड़ने में चला जाएगा। जो इस मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ से लगाते हैं कि सीन की लंबाई है 7 इंच, यहाँ से 7 इंच पे मार्क लगा देंगे। 7 इंच पे मार्क यहाँ से लगा दिया। और 7 इंच के बाद में 3.5 इंच यहाँ से डाउन आएंगे, 3.5 इंच इस मार्क को भी यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरह से। मुड्डा इसका हमने काटा था 7 इंच, तो यहाँ से पूरा एग्जिट 7 इंच पे ही मार्क लगाएंगे। लगाने के बाद में लड़के से यहाँ से बुलाई दे देंगे इस तरीके से। ये हमारी यहाँ से गुलाई हो गई कि मोरी है, यहाँ से रखेंगे 5 इंच, 5 इंच पीस को मार को यहाँ से तरीके से मिला देंगे। बाकी से यहाँ से सीधा कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से। तो हम लोग थोड़ा सामने थोड़ा कट करते हैं, इससे हमें छोटे बड़ी हो तो बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो इस हिस्से को भी यहाँ से कट कर देंगे। करने के बाद में को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद में इसको यहाँ से खोलेंगे, और खोलने के बाद में देखिए ये हमारा यहाँ से फ्रंट हिस्सा होता है, इसको इस तरीके से यहाँ से अंदर की तरफ यहाँ से कट करते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से ये हमारा फ्रंट हिस्सा कट गया। अब देखिए जो हमारी सीन इस टाइप से आ जाएगी। हमारी कटिंग पूरी पूरी हुई। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज।